आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाहा ब्लॉक के सबसे जीर्ण शीर्ण एवं खतरनाक पंचायत भवन में बुलंद हौसलों के साथ शपथ ली ग्राम पंचायत नाया के नव निर्वाचित सरपंच जगदीश सिंह मंडलोई ने। 5 साल के कार्यकाल में नाया की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा, सरपंच श्री मंडलोई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों से मुलाकात और कैसे होंगे उनकी पंचायत के विकासशील 5 साल के अभियान के अंतर्गत आज आजाद हिंदुस्तान की टीम पहुंची ग्राम नाया में, जहां हमें मुलाकात करनी थी नाया ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच श्री जगदीश मंडलोई से। यहां पहुंचे तो हमने देखा कि ग्राम नाया में नव निर्वाचित सरपंच श्री जगदीश सिंह मंडलोई के नेतृत्व में बड़े ही जोश और उत्साह के बीच तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। स्कूल के बच्चे, शिक्षकगण, ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश परिहार तथा रोजगार सहायक दुर्गेश चौहान सहित अनेक लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के समापन के बाद जब हमारी टीम सरपंच श्री जगदीश सिंह मंडलोई के साथ ग्राम पंचायत भवन पहुंची, तो हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां शासन विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए की राशि प्रदान करती है, उस ग्राम नाया के पंचायत भवन की हालत खंडर में तब्दील थी। छतों का प्लास्टर जमीन पर लगातार गिरता नजर आ रहा था। कब ये भवन धराशायी हो जाए नहीं कहा जा सकता। हालात यहीं नहीं थमे, पूरे पंचायत कार्यालय में न सरपंच, उपसरपंच और पार्षदों के लिए कुर्सियां या टेबल थी और न ही आगंतुक जनता के लिए कोई बैठक व्यवस्था। ले देकर मात्र 2 टूटी हुई कुर्सियां थी और 1 टेबल। साक्षात्कार के समय एक ठीक ठाक कुर्सी पर विराजमान हुए सरपंच महोदय और एक अरेंज की हुई कुर्सी पर हम, एक टूटी हुई कुर्सी पर पंचायत सचिव मौजूद थे। खैर, पंचायती राज में पंचायत की दुर्दशा का साक्षात दर्शन करने के बाद हमने सरपंच साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमने पंचायत के ऐसे हालात, आगामी 5 साल में विकास के लक्ष्य, कैसी पंचायत होगी, इन्हीं मुद्दों को सरपंच श्री मंडलोई के सामने रखा। तो सरपंच श्री जगदीश सिंह मंडलोई ने कहा, आपने खुद ने देख लिया नया पंचायत और ग्राम की हालत क्या है। ऐसे हालातों में हमें पंचायत मिली, चुनौतियां बहुत हैं। विगत 2 चुनाव में हार के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इस बार जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताया। अब मेरा लक्ष्य एक ही है, इन 5 सालों में नया ग्राम की तस्वीर और तकदीर बदल सकूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, चाहे ग्राम में खरंजा हो या मुख्यमंत्री आवास से वंचित लोगों को आवास दिलवाना, नालियों का निर्माण हो या शासन की योजनाओं को वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना, पूर्ण निष्पक्षता ईमानदारी से करवा सकूं। नाया को भ्रष्टाचार मुक्त निर्मल ग्राम बनाना मेरा लक्ष्य है। स्वतंत्रता दिवस पर मैंने ग्राम के स्कूलों, ग्राम पंचायत सहित 4 स्थानों पर ध्वजारोहण के 4 स्थल बनाने से शुरुआत की है। देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा से प्रारंभ किया अभियान अब विकास के नए आयाम लिखेगा। तो आइए अब सीधी बात करते हैं ग्राम पंचायत नाया के नवनिर्वाचित सरपंच जगदीश सिंह मंडलोई से, चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत नाया में और हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित सरपंच श्री जगदीश जी मंडलोई। सरपंच साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सरपंच साहब। ग्राम पंचायत नाया के लोगों ने आपको बड़ी आशा के साथ जिताया है और रिकॉर्ड मतों के साथ जिताया है। किसे देना चाहेंगे इस जीत का श्रेय आप? ये जीत का श्रेय मैं ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आम जनता ने मेरा बहुत आभारी कर रखा है मेरे को और उनके कृपा से मैं बना हूँ। ग्राम पंचायत नाया में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आपका हम ये भवन ही देख रहे हैं, ग्राम पंचायत भवन आपका जर्जर अवस्था में है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत नाया के गलियों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या प्रयास रहेगा आपका इन समस्याओं को दूर करने के लिए? क्या क्या काम आप करवाना चाहेंगे जीत के बाद? मैं ग्राम पंचायत नाया का, मेरे घोषणा पत्र में ये मैंने दे रखा है कि मैं नाया की तकदीर बदलूंगा और पूरे खरंजे वगैरह जो पंचायत भवन जर्जर हो रहा है उसके भी लिए मैं आप प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर सकूं। एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि शासन योजनाएं तो बहुत लागू करता है लेकिन वास्तविक हितग्राही तक वह योजनाएं पहुंच नहीं पाती। या तो भ्रष्टाचार के अंदर वो पैसा गायब हो जाता है या वो काम पूरे नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या चाहेंगे, कैसी पंचायत बनाना चाहते हैं आप? मैं इस पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत बनाना चाहता हूँ और स्वच्छ रखना चाहता हूँ और हमेशा गरीबों के हित के लिए मैं करूँगा भी
और उनकी जो कुटिया बनती है वो पैसे खा जाते हैं, वो भ्रष्टाचार को हटाऊंगा। अभी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन चल रहा है और शासन के भी पर्याप्त निर्देश हैं अलग अलग आयोजनों को लेकर के, आप क्या प्रयास कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए? मैं स्वतंत्रता दिवस के लिए अपनी मातृभूमि के लिए तिरंगों के चारों स्कूलों में उनका फाउंडेशन बनवा के कंप्लीट करवाना है और कर रहे हैं और काम भी चल रहा है और जो भी मेरे से व्यवस्था बन जाएगी और पूरा प्रयास करूंगा जनता के लिए। ये थे हमारे बीच सरपंच श्री मंडलोई जी, सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी हैं, पहली बार ये माइक के सामने आए हैं। उनकी भावनाएं हमें देखना है, बहुत ही निर्मल मन से उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है। उनका उद्देश्य एक ही है कि इस पूरी पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना और शासन की योजनाओं को घर घर तक वास्तविक हकदार व्यक्ति के पास पहुंचाना, यही इनका उद्देश्य है। आज जब आज़ाद हिंदुस्तान की टीम यहां आई तो वे स्वयं मौजूद थे तिरंगा यात्रा में। अभी तिरंगा यात्रा बड़े जोश और उत्साह के साथ निकली है, आगे भी मंडलोई जी के तत्वावधान में यह पंचायत निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ती रहेगी, ऐसी हमको आशा है। धन्यवाद।